आज मुझे बात करना है कि मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता, इसके बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। काफ़ी सारे लोग मेरे पास में आते हैं, बोलते हैं कि भाई मैं बहुत हर्ट हो जाता हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, लोग मुझे हर्ट करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है, फिर मेरा दिन अच्छा जाता नहीं है। देखिए, सामने वाले लोग जो है, सामने वाले व्यक्ति जो है, वो कौन लोग है? हो सकता है कि वो मेरे फैमिली मेंबर है, मेरे कलीग है, मेरे दोस्त है, कोई भी लोग हो सकते हैं कि जो लोग मेरे से अच्छा व्यवहार नहीं करते। हो सकता है कि उन्होंने मेरा मान नहीं रखा हो, अपमान किया हो, हो सकता है कि उन्होंने मुझे मैनिपुलेट किया हो सकता है कि उन्होंने मेरे ऊपर गुस्सा किया हो सकता है कि उन्होंने सबके सामने मेरा अपमान किया है, हो सकता है कि उन्होंने मेरा गलत फायदा उठाया हो, कुछ भी हो सकता है, और उसकी वजह से फिर मैं हर्ट हो जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता नहीं है और मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अब ये बात यहाँ जानना जरूरी है कि उन्होंने जो भी किया वो किया, उन्होंने जो भी बोला वो बोला, उन्होंने जो भी कहा वो कहा, उन्हें वो बोलना नहीं चाहिए था, उन्हें वो कहना नहीं चाहिए था, उन्होंने वो करना नहीं चाहिए था, मगर हर्ट होने का जो है उसकी जिम्मेवारी मेरी है। हर्ट मैंने क्रिएट किया हुआ है, मेरा रिमोट मेरे हाथ में है, क्योंकि जो भी हुआ वो उसने किया हुआ है। मेरी कोई अपेक्षा थी, मेरे मन में कुछ चल रहा था कि उसने कैसा करना चाहिए, वो उसने किया नहीं, तो हर्ट होने का ओरिजिन कहाँ है? मेरे दिमाग में। तो यदि पहली बात यह है कि मैं ये क्रिएट करता हूँ कि हर्ट मैंने क्रिएट किया हुआ है, विचलित जो हुआ वो मैंने क्रिएट किया हुआ है, उसका सोर्स जो है, उसका जड़ जो है वो मेरे दिमाग में, गुस्सा जो मेरे को आ गया वो मैंने क्रिएट किया है, उत्पादन क्षमता मैंने मेरी कम कर दिया वो मैंने की हुई है, उसका सोर्स मैं हूँ, ये मैंने पहले एक्नॉलेज करना चाहिए। नंबर दो, उसने वो किया इसका मतलब वो कमज़ोर है, उसने वो नहीं करना चाहिए था, उसने ना गुस्सा करना चाहिए था, उसने ना मुझे अपमान करना चाहिए था, उसने ना मुझे डिसअपॉइंट करना चाहिए था, ना उसने मुझे मैनिपुलेट करना चाहिए था, जो भी किया उसने वो, मगर अभी वो जो किया उसने उसके संस्कारों के वजह से किया हुआ है, उसके ऊपर जो भी संस्कार हुए, उसका जो भी एजुकेशन है, उसकी जो मन की रचना है, उसकी जो थॉट प्रोसेस है, उसकी वजह से हुआ है। अब मेरा काम ये है कि उसके साथ में बातचीत करना और उसको एम्पावर करना, उसने कौन से परिस्थिति में वो किया, उसकी मनस्थिति कौन सी थी, उसने वो क्यों किया। हो सकता है कि वो करने के बाद में उसको बुरा लगता होगा, मगर वो आके मुझे माफ़ी मांगता नहीं है, क्योंकि उसको उसकी भी हिम्मत नहीं है। तभी मुझे ये जानना जरूरी है कि जो भी उसने किया उसकी मनस्थिति क्या थी, कौन सी स्थिति में उसने ऐसा किया, क्या वो डील कर रहा था, उसके लाइफ में क्या चल रहा था, अभी वो देखने का मेरा काम है, उसको एम्पावर करना मेरा काम है, ताकि वो अच्छा जीवन जी सके और वो फिर से ऐसा ना करे। यदि मैं करूँगा तो मेरे उसके संबंध, सामने वाले व्यक्ति के संबंध अच्छे होंगे, कोई दूरी नहीं होगी, कोई डिस्टेंस नहीं होगा, और मैं एक हूँ, मेरी मनस्थिति भी अच्छी रहेगी, मैं जो हर्ट हो जाता हूँ, मैं जो विचलित होता हूँ, मैं जो अपसेट होता हूँ, और उसके वजह से मेरी जो उत्पादन क्षमता कम हो जाती है वो भी नहीं होंगी, और एक जीवन अच्छा जीने का तरीका इस तरह से मुझे मिल सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।